हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठंड का मौसम आ गया है और ठंड में दिन में एक बार तो कम से कम हमें गर्मा गर्म सूप पीना चाहिए, और सूप घर पे हेल्दी बना हो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए फिर अब हम देर नहीं करेंगे और फटाफट से इस बढ़िया से सूप की हम रेसिपी देखेंगे। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम गैस ऑन करके कोई भी एक कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद उसमें हम तेल डालेंगे। तेल यहाँ पे आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल के गरम होते ही इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे अदरक और लहसुन। दोनों ही चीज़ों को एकदम बारीक हम काट लेंगे। आप इसका पेस्ट मत यूज़ करिएगा, इसको एकदम बारीक चॉप करके ही यूज़ करिएगा। अगर आपको चॉप करते नहीं आते एकदम बारीक, तो आप वो जो हैंड चॉपर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा चॉप होता है। अब एक बार इसको हम ऐसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने आधा यूज़ किया है छोटे साइज़ का, इसको भी हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। और बस अब प्याज को भी इसमें मिक्स करके एक बार इस तरीके से चला लेंगे और प्याज को हल्का सा हम ट्रांसपेरेंट होने देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से धनिया के जो डंठल होते हैं वो, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो वो थोड़े से 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारा लेमन कोरिएंडर सूप है तो इससे कोरिएंडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये डाल देंगे। इसके बाद अब मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बीन्स चॉप करके डाल दीजिएगा, थोड़ी सी गाजर, इसको भी एकदम बारीक चॉप कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं पत्ता गोभी ले रही हूँ, इसको भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें पत्ता गोभी स्किप करना तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम इस तरीके से चला लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, लेकिन हल्का सा इसका जो कच्चापन है वो बस दूर करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये सब्जियाँ डालने के बाद इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक आपको जितना अपने सूप में डालना है उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। नमक डालने से क्या होता है, ये जो सब्जियाँ होती हैं अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देती हैं। तो अब मैं नमक डाल के इसको एक बार चला लूँगी और इसको हाई फ्लेम में मुश्किल से आधे मिनट के लिए और पकाऊँगी। इसके बाद फिर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, तो पानी यहाँ पे मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप 3 या 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, अगर 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 4.5 कप इसमें आप पानी डाल दीजिएगा। अगर 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 3.5 4 कप पानी डाल दीजिएगा। मतलब जितने लोगों के लिए भी आप ये सूप बना रहे हैं उससे 1.5 कप ज़्यादा आप पानी का यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाले हैं, 2 ग्लास में ये 3 लोगों के लिए आराम से बन जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, हेल्थ के लिए भी ब्लैक पेपर बहुत अच्छी होती है, और अगर ठंड के टाइम पे आप ये बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ये आप ज़रूर डालिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप कम ज़्यादा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम हाई फ्लेम में ही रखेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आता, और जब इसमें इस तरीके से बॉईल आना शुरू होगा तो उसके बाद घड़ी देख के 5 मिनट इसको आप इसी तरीके से पका लीजिएगा। मतलब 5 मिनट इसको ऐसे ही बॉईल होने देंगे। 5 मिनट बॉईल होने के बाद फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच में आप 2 से 2.5 चम्मच पानी डालें, उसका घोल बना लें, और उसके बाद वो जो कॉर्नफ्लावर है वो आप अपने सूप में डाल दीजिएगा। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फिर इसको एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम में ही रखेंगे, और हाई फ्लेम में इसको आधे मिनट के लिए हम और पका लेंगे। और फिर लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे आप लेमन जूस का डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ते, तो धनिया के पत्ते एकदम बारीक चॉप करके वो इसमें आप डाल दीजिएगा, और बस एक बार मिक्स कर लीजिएगा। बढ़िया, आपका गर्मा गर्म सूप बन के एकदम तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद गर्मा गर्म ये सूप को आप सर्व करिए। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये गर्मा गर्म सूप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये जो सूप है ये रिच है विटामिन सी में,
तो होप आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.